कक्षा 5 विषय हिंदी टॉपिक 8 भरत मिलाप। अगले लेक्चर में हमने देखा कि भरत मिलाप की कहानी जो रामायण का एक भाग था। अब इस चैप्टर का हमें अभ्यास देखना है। अभ्यास का पहला प्रश्न, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? इस प्रश्न का उत्तर है कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण मानते थे कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि राम को देखकर आंखों में आंसू लिए भरत कुटिया के निकट आकर राम के चरणों में गिर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि राम अपना वनवास अपने माता पिता के आज्ञा के हेतु पूरा करना चाहते हैं। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, राम ने नगरजनों से क्या कहा? इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा मानो, यह मेरा आदेश है। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत ने अपने भाई के भांति प्यार किया है। वो अपने भाई का आदर करते थे। वह अपनी जगह सही है। अगर हम होते तो अपने बड़े भाई का ऐसे ही आदर करते और राम को जैसे वनवास नहीं होने देते। अब दूसरा क्वेश्चन, कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आगे तीसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। तो यहाँ कोष्टक में हमें कुछ संकेत के नाम लिखे हैं, जिसे हमें सही संकेत चुनकर नीचे हमें लिखना है। तो कोष्टक में से संकेत पढ़ते हैं, रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग और साइकिल क्रॉसिंग। तो पहला चित्र है वो है हॉस्पिटल का, जो दूसरा दो तीर वाला है वो है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है पैदल यात्री क्रॉसिंग और चौथा जो है वो है साइकिल क्रॉसिंग। अब स्वाध्याय में से पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से पहला क्वेश्चन, राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि राम लक्ष्मण और सीता जो है वो माता पिता के आज्ञा के अनुसार वन में आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आएगा कि राम सीता और लक्ष्मण वन में वनवास में आए थे। दूसरा क्वेश्चन, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है को इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके दुख सुख और दुख का ख्याल रखेगा। आप उसे राजा मानो, यह समझाते हुए कहा था। अब तीसरा क्वेश्चन, राम ने भरत को क्या दिया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, राम ने भरत को खड़ाऊ दी, जो भरत ने राम से मांगी थी और राम ने उसे खड़ाऊ दी। खड़ाऊ यानी लकड़ी की चप्पल। हवे चौथा, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने सोचा कि अगर मैं खड़ाऊ लेकर वो सिंहासन पर रखता है और उसके सेवक के भांति वहाँ राज करता है। अब आगे पांचवा क्वेश्चन, आप अपने भाई के साथ
कैसा बर्ताव करते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर आप अपने विचार से लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ 3 वाक्य लिखे हैं। मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा व्यवहार करता हूँ, बीमारी के समय उनकी सेवा करता हूँ और मैं सभी समय में भाई की मदद करता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। इनमें से मैं और मैं दोनों का उपयोग करके हमें यहाँ पे रिक्त स्थान भरनी है। तो पहला देखते हैं कि रोटी को देख बिल्ली के मुंह खाली जगह पानी आ गया, तो क्या आएगा? मैं। अब दूसरा, खाली जगह तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, तो यहाँ पे मैं यानी हूँ अटले मैं। तीसरा, खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। चौथा, दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया, यहाँ पे मैं रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। अब तीसरा प्रश्न, जल थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पे जल में रहने वाले बतख, मगर, मछली, वो सब जल में रहते हैं। वैसे थल में रहने वाले शेर, भालू, खरगोश। पेड़ों में रहने वाले उल्लू, बंदर, गिलहरी। अब आगे अभ्यास नंबर 1, यहाँ पे पहला है अपना नाम लिखिए। यहाँ जो रिक्त स्थान है वहाँ पे अपने अपने नाम लिखने हैं। दूसरा, अपने गांव शहर का नाम लिखना है। जो आपका गांव है, शहर है, वहाँ यह रिक्त स्थान में लिखना है। अब तीसरा, अपने दोस्तों के नाम लिखिए। यह 3 रिक्त स्थान में कुछ 3 दोस्त के नाम लिखना है। अभी चौथा, किन्ही 4 नदी के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें 4 नदी के नाम लिखने हैं, जैसे नर्मदा, तापी, गंगा और यमुना। किन्हीं 3 पर्वत के नाम लिखो। यहाँ पे हमें 3 पर्वत के नाम लिखने हैं, जैसे हिमालय, गिरनार, पावागढ़। अभी अभ्यास नंबर 2, उचित जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे हमें कुछ नाम है, जैसे महेश, हिमालय, गंगा, रामायण, भारत, वो अविभाग में है। अब ब विभाग में है पुस्तक, लड़का, पर्वत, देश, नदी। तो इस अविभाग से ब विभाग को जोड़ना है। जैसे पहले था महेश, तो ब विभाग में वो महेश क्या है? पुस्तक है, लड़का है, पर्वत है, देश है या नदी है? महेश एक लड़के का नाम है, तो यहाँ लड़का जो है वहाँ हमें जोड़े बनाएंगे। अभी दूसरा, हिमालय। हिमालय क्या है? पुस्तक, लड़का, पर्वत, देश, नदी। तो यहाँ पे हिमालय क्या आएगा? पर्वत। अब तीसरा, गंगा। तो गंगा क्या है? पुस्तक नहीं, लड़का नहीं, पर्वत नहीं, देश नहीं। तो गंगा क्या आएगा? नदी। अब चौथा, रामायण। रामायण क्या है? पुस्तक है। तो हम पुस्तक से उसकी जोड़े मिलाएंगे। अब लास्ट, भारत। भारत वो क्या है? वो हमारा देश है, देश का नाम है। तो यह हमें देश से भारत को जोड़ेंगे। अब विभाग अ में निर्देशित शब्द महेश, हिमालय, गंगा, रामायण और भारत नाम निर्देश करते हैं, तथा ब विभाग वाले शब्द उनकी जाति का निर्देश करते हैं। अतः यह सभी शब्द संज्ञा है।